दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र से भाप बनकर उड़े बादलों का रास्ता हिमालय पर्वत रोक लेता है। नतीजन ये बादल हिमालय से टकराकर पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश करते हैं। यही वजह है कि अक्सर इन क्षेत्रों में भूस्खलन या बाढ़ जैसी घटनाएं होती रहती हैं। इन घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जानें भी जाती हैं। प्रकृति प्रेमियों का मानना है कि चूंकि पिछले कुछ दशकों के दौरान हमने पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद पेड़ों को बड़ी संख्या में काट कर वहाँ खेत, घरिया, होटल आदि बनाए हैं, इसलिए गत कुछ वर्षों में ऐसी आपदाएं भी अधिक देखने को मिल रही हैं। इसी साल उत्तराखंड में 7 फरवरी के दिन एक खतरनाक बाढ़ देखने को मिली। इस बाढ़ में पानी का बहाव इतना तेज था कि इसने तपोवन नामक हाइड्रो प्लांट को पूरी तरह से तहस नहस कर डाला। पानी रोककर बिजली बनाने के 2 बड़े बांध उखड़ गए। इस घटना के पीछे का कारण था चमोली के निकट ग्लेशियर का फटना। दोस्तों, ग्लेशियर कैसे फटते हैं ये जानने से पहले हम ये समझते हैं कि ग्लेशियर होते क्या हैं। संक्षेप में, ग्लेशियर पृथ्वी की सतह पर मौजूद विशाल आकार की गतिशील बर्फ को कहते हैं। हिमालय पर अनेकों स्थान इतने ठंडे हैं जहां हर साल पिघलने वाली बर्फ की तुलना में आसमान से पड़ने वाली बर्फ की मात्रा अधिक होती है। यानी पिछले साल गिरी बर्फ जब तक पिघले उससे पहले ही नई बर्फबारी की शुरुआत हो जाती है। नतीजन वर्ष दर वर्ष हिम के एकत्र होने से हिम की कई परतें बन जाती हैं। निचली परत अत्यधिक दबाव के कारण बेहद कठोर हो जाती है। ये कठोर बर्फ अपने भार के कारण पर्वतों से नीचे की ओर फिसलती रहती है। नीचे फिसलते हुए ये धीरे धीरे पिघलती भी रहती है। अत्यधिक कठोर होने के कारण ये बर्फ एक कुदरती बांध का रूप ले लेती है, जो बहुत बड़े पानी और बर्फ के भंडार को अपने पीछे रोक कर रखती है। अगर बर्फ का ये कुदरती बांध अचानक से फट जाए तो इसके पीछे मौजूद कोमल बर्फ में से होता हुआ पानी भारी तबाही मचा देता है। अब सवाल ये है कि ये कुदरती बांध यानी ग्लेशियर फटते कैसे हैं? तो दोस्तों, इसके 2 कारण हैं। पहला, जिस बर्फ को ग्लेशियर रोक कर रखता है वो बर्फ लगातार पिघलकर ग्लेशियर पर दबाव बढ़ाती रहती है। दूसरा कारण है ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण बर्फ का तेजी से पिघलना। यानी दोनों ही सूरतों में ग्लेशियर के टूटने की एकमात्र वजह है गर्मी के कारण पिघलती बर्फ। अब चाहे वो गर्मी गर्म मौसम की वजह से हो या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। किंतु दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चमोली में 7 फरवरी के दिन ग्लेशियर फटा। इन दिनों यहाँ बेहद ही अधिक ठंड होती है और बर्फ का पिघलना बहुत ही कम होता है। ग्लेशियरों का फटना कोई अनहोनी घटना नहीं होती, किंतु ये सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही फटते हैं। तो आखिर फरवरी के सर्द मौसम में ये आपदा आई कैसे? जहाँ कुछ जानकार इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग को मानते हैं, वहीं कुछ वैज्ञानिक इस घटना को 1965 के मिशन नंदा देवी से जोड़कर भी देखते हैं। मिशन नंदा देवी वास्तव में एक मानवीय चूक थी जिस कारण आज करोड़ों भारतीयों के जीवन पर संकट बना हुआ है। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, इस मिशन की शुरुआत होती है 1964 से। ये वो समय था जब चीन अपना पहला सफल परमाणु हथियार परीक्षण कर चुका था। भारत चीन से 1962 का युद्ध हार चुका था। ऐसे में चीन के सफल परमाणु परीक्षण से भारत की परेशानी बढ़ना जायज था। वहीं अमेरिका भी एशिया महाद्वीप में रूस के अलावा एक और तेजी से उभरती परमाणु शक्ति के कारण चिंतित था। अतः अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार चीन के परमाणु कार्यक्रमों पर निगाह रखने के लिए एक घातक प्लूटोनियम युक्त परमाणु सेंसर को हिमालय के नंदा देवी पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर लगाना था। ये सेंसर चीन के द्वारा किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों की जानकारी जुटाने में सक्षम था। यानी इस यंत्र की मदद से अमेरिका और भारत चीन के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम पर बारीकी से नजर रख सकते थे। जहां इस यंत्र को लगाया जाना था, हिमालय पर्वत के उस हिस्से को अधिक ऊंचाई के कारण विश्व की छत के नाम से जाना जाता था, क्योंकि स्थान इतने ऊंचे हैं कि इनके ऊपर से हवाई जहाज तक को उड़ा पाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। 56 किलो भार वाले इस परमाणु यंत्र के 2 हिस्से थे। पहले हिस्से में 2 ट्रांस रिसीवर और एक 10 फुट का एंटीना शामिल था, जबकि दूसरे हिस्से में पावर सप्लाई यूनिट थी जिसमें ऊर्जा बनाने के लिए 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स लगे हुए थे। क्योंकि
इसलिए इस यंत्र को इस काबिल बनाया गया था कि यह अगले 100 सालों तक काम करता रहे, इसलिए इसमें रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम को ही ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया था। इस यंत्र को जिस नंदा देवी पर्वत की चोटी पर लगाना था उसकी ऊंचाई करीब 7800 मीटर थी। शुरुआत में कुछ भूवैज्ञानिकों ने सलाह दी कि नंदा पर्वत की चोटी की चढ़ाई एवरेस्ट से भी कहीं अधिक कठिन है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बर्फीले तूफान आते रहते हैं। वस्तुतः यहाँ का मौसम पृथ्वी के ध्रुवों के मौसम से भी ज्यादा कठोर है, किंतु अमेरिकी अधिकारी हर हाल में इस यंत्र को नंदा देवी पहाड़ पर लगाने को ही जोर देते रहे, जिस वजह से एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। इस टीम में 14 अमेरिकी और 4 भारतीय शामिल थे। इन सभी 18 लोगों के पास पर्वतारोहण का सबसे अधिक अनुभव था। भारत की तरफ से इस खुफिया मिशन की कमान कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली संभाल रहे थे, जो माउंट एवरेस्ट को आसानी से फतेह कर चुके थे। 18 अक्टूबर 1965 को 18 सदस्यों की यह टीम अपने साथ परमाणु यंत्र को लिए दुर्गम पर्वत पर 7300 मीटर की ऊंचाई तय कर चुकी थी। शिखर मात्र 500 मीटर की ही दूरी पर था, तभी अचानक से एक जबरदस्त बर्फीला तूफान आ गया। तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिस वजह से यह पूरा मिशन ही खतरे में पड़ गया। ठंड इतनी अधिक थी कि खून जम जाए, किंतु पर्वतारोही के साथ मौजूद परमाणु यंत्र प्लूटोनियम ऊर्जा का लगातार बहाव कर रहा था। यही ऊर्जा गर्मी फैलाकर पर्वतारोहियों की जान बचाए हुए थी। हालांकि यह गर्मी हानिकारक रेडिएशन युक्त थी, जो उन लोगों के शरीर पर खतरनाक प्रभाव भी डाल रही थी, किंतु सर्दी से खुद की जान बचाने के लिए इस यंत्र के नजदीक रहने के अलावा कोई और चारा नहीं था। जब तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो अमेरिकी कप्तान एडम्स को यह फैसला लेना पड़ा कि मिशन को कुछ समय के लिए स्थगित करके वापस लौटना ही सही होगा। सभी लोगों ने सोचा कि परमाणु यंत्र को अपने साथ वापस लेकर जाने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए यंत्र को पास में मौजूद एक गुफा में ही रख दिया जाता है। वैसे भी इतनी ऊंचाई पर चढ़कर इस यंत्र को चोरी करके ले जाना किसी के बस की बात नहीं थी, इसलिए यंत्र को गुफा में छोड़कर सभी पर्वतारोही वापिस सकुशल उतर आए। इस अधूरे मिशन को पूरा करने हेतु करीब 6 महीने बाद टीम दोबारा से चढ़ाई शुरू करती है। 7300 मीटर की चढ़ाई करके जब पर्वतारोही वापिस उसी गुफा में पहुंचते हैं जहां उन्होंने अपना परमाणु यंत्र रखा था, तो सब लोग हैरान और परेशान खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उस गुफा से वो परमाणु यंत्र गायब था। ना वहां एंटीना था, ना ट्रांस रिसीवर और ना ही प्लूटोनियम के कैप्सूल। पर्वतारोहियों ने गुफा का एक एक कोना छान मारा, किंतु यंत्र का कहीं अता पता नहीं लगा। ये सबके लिए हैरानगी की बात थी कि आखिर उस यंत्र को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। विशेषज्ञों के अनुसार बर्फ के तूफान या भारी हिमपात आदि के कारण हुए किसी हिमसंकलन में यंत्र खो चुका था। लेकिन यंत्र के खो जाने से अधिक चिंताजनक बात ये थी कि इस यंत्र में लगे प्लूटोनियम कैप्सूल्स की लाइफ 100 सालों की है, यानी ये कैप्सूल 2065 तक ऊर्जा और हानिकारक रेडिएशन पैदा करते रहेंगे। अगर ये प्लूटोनियम बैटरी लीक होकर नंदा देवी ग्लेशियर को प्रदूषित करती है, तो इन पर्वतों से रिसने वाला पानी गंगा नदी को भी हानिकारक रेडिएशन से भर देगा। गंगा नदी के आसपास भारत में करीब 65 करोड़ लोग रहते हैं, यानी एक यंत्र के खो जाने से 65 करोड़ लोगों का जीवन खतरे में आ सकता है। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद भारत सरकार ने नंदा देवी के आसपास के ग्लेशियरों और गंगा नदी के पानी की अनेकों बार जांच की है, किंतु आज तक कहीं भी किसी प्रकार के रेडिएशन के कोई सबूत नहीं मिले हैं। यानी ये यंत्र जहां भी है, इसने कम से कम आज तक तो रिसना शुरू नहीं किया है, परंतु ये खोया हुआ यंत्र हमारे सर पर 2065 तक एक खतरे के रूप में हमेशा लटकता रहेगा। इस मिशन की नाकामयाबी के 2 साल बाद यानी 1967 को भारत और अमेरिका ने दोबारा मिलकर नंदा देवी पर्वत के ही समीप एक दूसरी चोटी पर एक अन्य परमाणु यंत्र स्थापित किया था। इस नए यंत्र ने सिर्फ 1 साल ही काम किया, उसके बाद यह बंद पड़ गया। जब इस यंत्र की जांच करने वैज्ञानिकों की टीम पहुंची, तो उन्हें बेहद ही अलग नजारा देखने को मिला। असल में इस परमाणु यंत्र से निकलने वाली गर्मी के कारण इस यंत्र के आसपास मौजूद बर्फ पिघल चुकी थी, जिसके कारण वहां एक 16 फीट की गोल सुरंग बनी हुई थी और यह यंत्र उसी सुरंग में धंसा हुआ था। इसी
इसी वजह से इसने काम करना भी बंद कर दिया था। इस घटना से 1965 में खोए यंत्र के लिए भी एक नई थ्योरी सामने आई। हो सकता है कि वो यंत्र भी इसी तरह से बर्फ को पिघलाता हुआ एक गहरी सुरंग बनाकर उसी सुरंग में विलीन हो गया हो, इसीलिए उसे ढूंढा नहीं जा सका। साथ ही पहाड़ों में भारी हिमपात और हिमस्खलन के चलते भौगोलिक परिस्थितियां भी हमेशा बदलती रहती हैं। हो सकता है कि बीते वक्त के साथ वो परमाणु यंत्र फिसलता हुआ चमोली के निकट मौजूद उसी विशाल ग्लेशियर से जा मिला हो और इस यंत्र की गर्मी के प्रभाव से ही फरवरी के ठंड में ग्लेशियर फट गया हो, जिसके कारण भारी तबाही आई, क्योंकि सर्दियों में ग्लेशियर के फटने का कोई अन्य कारण तो समझ में नहीं आता। या ऐसा भी हो सकता है कि वो परमाणु यंत्र आज भी अपने द्वारा बर्फ पिघलाकर बनाई गई उसी सुरंग में महफूज हो। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि वो परमाणु यंत्र आज तक भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि अभी भी उसकी ऊर्जा खत्म होने में 40 सालों का वक्त बचा हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।